एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरली। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी यूनिट 3, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। सो लेट अस स्टार्ट। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ये आपकी यूनिट 3 साइकोलॉजी सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग के। जैसे कि आप जानते हैं कि साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम एक साथ होगा, पोर्शन 37 मार्क्स और 38 मार्क्स का होगा। इसको 3 आर्ट्स में आपको कंप्लीट करना है। 3 आर्ट्स के कंप्लीट के लिए आपको कंटेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम भी होगा, अगर आपके पास कंटेंट है तो आप फास्टेस्ट फास्ट लिख सकते हैं, और अगर ना सोचने में और बनाने में सोचेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो मेनली जितनी भी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है सब लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि हमारी पहली डेफिनेशन, अगर मैं बात करूँ मेंटल हेल्थ की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी मेंटल हेल्थ डे था तो आपको जनरली आपके कॉलेज में सेलिब्रेट करा होगा, तो आपको बताया भी गया होगा कि मेंटल हेल्थ क्या है, हमारे लिए हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमें बैलेंस करके रखना हमारी हेल्थ को। तो सबसे पहले हम जो डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये डेफिनेशन हमें कार्ल मेनेंगर ने दी थी 1947। डेफिनेशन है एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। अगर आपको मेंटल हेल्थ मेंटेन करनी है तो आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए। एडजस्टमेंट किससे? ह्यूमन बीइंग एडजस्ट होता है खुद से और वर्ल्ड से। अगर आप खुद से सेटिस्फाई हो, इस वर्ल्ड को एडजस्ट कर पा रहे हो अपनी सिचुएशन से, या फिर उनके अकॉर्डिंग खुद एडजस्ट हो पा रहे हो। ऑल दो आप हर टाइम किसी के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते, ऑल दो कोई आपके लिए एडजस्ट नहीं कर सकता, सेम एज इन दिस डेफिनेशन आपको एडजस्ट करना होगा एक दूसरे के लिए विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। कोई भी चीज़ रिलेशनशिप में होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसके लिए आपको बहुत सारे इफ़र्ट्स लगाने होते हैं। इफ़र्ट्स लगाने से ही आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और जब जिस में इफ़र्ट्स नहीं है, आप एक दूसरे का कनेक्शन नहीं है और एक दूसरे में जो बॉन्डिंग है वो नहीं है, तो फिर मेंटल हेल्थ ट्रॉमा हेल्थ बन जाएगी। इन सबको मेंटेन करने के लिए आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए। वो भी एडजस्टमेंट एक दूसरे से होना चाहिए। एक दूसरे से मतलब कि खुद से तो आपको रखोगे, विद एक दूसरे से, विद ईच अदर मतलब कि विद टू द वर्ल्ड, उसके साथ ही साथ विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। आपको इफेक्टिव और जो आपकी हैप्पीनेस हो वो कैसी आएगी, एकदम मैक्सिमम, मेजर ऑफ द चांसेस हैं। जैसे कि फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ हम लोगों को जहोडा ने दिया था 1958 में। इनके टोटल 6 पॉइंट्स हैं। आप अपने एग्ज़ाम कॉपी में ऐसे ही बनाएंगे, बट अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम जो बीच में पर्सन दिख रहा है जिसमें बल्ब है वो हम नहीं बना सकते, तो उसमें आप एज ए सर्कल लिख के लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ और एरो से डिटेक्ट करेंगे टोटल 6 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ। सेकेंड पॉइंट अचीवमेंट ऑफ टास्क। थर्ड इंटीग्रेशन। फोर्थ ऑटोनॉमी। फिफ्थ परसेप्शन ऑफ रियलिटी। सिक्स्थ एनवायरमेंटल मास्टरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ। सबसे पहले खुद को एजुकेट करना, खुद की एक्सेप्टेंस को देखना, खुद की स्ट्रेंथ को देखना, खुद की लिमिटेशंस को देखना, इनडायरेक्टली खुद को प्रमोट करना। खुद को प्रमोट करना ही सब कुछ है। अभी आप लोगों की काउंसलिंग हुई, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, बहुत से लोगों में बहुत सारे डाउट थे, क्वेश्चन मार्क्स थे, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आई ऑलवेज सेज टू यू, बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट प्रे टू द गॉड। ये अगर लाइन अगर आपने मेरी सुनी तो आपको पता होगा कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अपने लिए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद सेटिस्फाई हो तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हो आपने हार्डवर्क कर रहा है तो आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। तो खुद के लिए सेल्फ इंक्लूडिंग नॉलेज, एक्सपेक्टेंस, स्ट्रेंथ, लिमिटेशन, सब कुछ लिमिटेशन पे रहता है, सब कुछ आइडेंटिटी रहती है, सिक्योरिटी रहती है खुद के साथ। ये सारी एटीट्यूड आपको बिल्डअप करेगी। यही डिस्क्राइब कर रहा है हमारे जहोडा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ के थ्रू, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि करेंट कॉन्सेप्ट क्या पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ टास्क। जब आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपके अंदर एक एबिलिटी होगी जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप सक्सेसफुली अचीव करने के बाद अपने टास्क को एसोसिएट कर सकते हो एक लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरली बात करूँ, अभी यही काउंसलिंग से एग्जांपल लेते हैं। अभी काउंसलिंग में आप लोग बहुत टेंशन ले रहे थे, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ, सेकेंड में होगा कि नहीं होगा, थर्ड में, तो बस एक ही लाइन थी, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, आपको सीट मिल गई, आपको अचीवमेंट हुआ टास्क का। अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम हो यूनिवर्सिटी वाला वो अच्छे से, तो उसके लिए भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको इफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे इनडायरेक्टली। अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हम स्कोर अच्छा करेंगे, और बिना पढ़े जाओगे तो स्कोरिंग अच्छी नहीं होगी। आपको अपना हार्डवर्क करना है, अपने इफर्ट्स को बिल्कुल भी मिनिमाइज नहीं करना है, हमेशा मैक्सिमम रखना है। उसके बाद अपने आप पे ट्रस्ट खुद पे खुद होगा, जब खुद पे ट्रस्ट होगा तो आप फिर अचीव कर सकते हो अपने गोल्स को। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है अडैप्टेबिलिटी, मैंने पास में लिखा भी है अडैप्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप डेवलप होते हो, डेवलपमेंट करते हो, राइट, तो इंडिविजुअल में क्या होता है एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम बहुत आती है। जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो डायरेक्टली मैं बताती हूँ, चार लोग आपके लिए कभी भी सपोर्टिव नहीं होंगे। वो इनडायरेक्टली ये ज़रूर कहेंगे ये बेकार कोर्स है, बीएससी नर्सिंग से हम एग्जांपल लेंगे क्योंकि हम लोग इसी के स्टूडेंट हैं, ये बेकार कोर्स है, इसकी सैलरी बेकार है, इसका कोई स्कोप नहीं है, आपको नीट क्रैक करना चाहिए था, MBBS लेना चाहिए था। अगर आप बायो फील्ड से हो और अगर आप नीट का एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हो या फिर करने की चाह है आपके लिए, तो फिर आपको बस वो ही चाहिए होता है। फिर उसके बाद की जो ये सोसाइटी उसने बिल्टअप कर दिया कि बाकी कोर्सेस बेकार है, बट ऐसा तो नहीं है ना। हर एक पोस्ट के लिए हर एक स्टेप्स होना बहुत ज़रूरी है, तो यही चीज़ होती है अडैप्ट करना। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को तो हर कोई अडैप्ट कर लेता है, लेकिन इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट हर किसी का एक जैसे नहीं होता, हर किसी को पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी नहीं मिलता। आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट पर खुद को रह के अपने आप को इंटीग्रेट करना होगा। जो चीज़ें आपको अडैप्टिव लगे, फॉर एग्जांपल जो चीज़ आपकी पॉजिटिव को इन्हांस कर रही हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत से लोगों ने बताया भी था कि इस काउंसलिंग को मत करो, इस काउंसलिंग से आपको नहीं मिल पाएगी सीट, बट मैंने कहा था काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करी है, आपने रजिस्ट्रेशन करा, आपको सीट मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट को सीट मिला भी, बट वो सब इन्वायरमेंट का था वर्क। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है एबिलिटी, आप कितने इंडिपेंडेंट हो, कितने सेल्फ डायरेक्टेड हो, आपका चॉइस कैसा है, आपकी मेक कैसे कर सकते हो। मेकिंग चॉइस का मतलब ये होता है आपको बिल्डअप कैसा थे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाते हो। जितने अच्छे से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे, जितने अच्छे से आप अपने काम को करोगे, उतना अच्छा आपका आउटकम आएगा। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। परसेप्शन ऑफ रियलिटी की अगर मैं बात करूँ, जनरली लोगों में टू टाइप्स के डिसअपीयर्स होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन, इल्यूजन। ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि परसेप्शन के टाइप्स में हम लोगों को एरर आते हैं, जिसको हम लोग हेलुसिनेशन, इल्यूजन कहते हैं। बट जो परसेप्शन की अगर मैं बात करूं, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिसोर्शन पे, मतलब कि वो एम्पैथी सिंपैथी पे वर्क करने की जगह से वो सिर्फ एम्पैथी को चूज़ करता है। तो आपको माइंडसेट क्लियर रखना है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं आपके साथ के, वो सब इल्यूजन है, एक तरीके से हेलुसिनेट है, वो दिख रहे हैं आपके साथ हैं नहीं, आपके साथ सिर्फ आप हो। आपके गिने चुने 2 से 4 ही लोग हैं जो आपके हैं, इसीलिए उनसे मेंटेन ही करके रखना ही एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिससे हमारे लोगों को नेगेटिव थॉट्स मिले, उनके साथ रहने से हमारा कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन्वायरमेंटल मास्टरी। अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंटल मास्टरी की, तो ये हम लोगों को इंडिकेट करता है, सजेस्ट करता है इंडिविजुअल को कि जो भी सेटिस्फाई रोल हो विद इन द ग्रुप, सोसाइटी या इन्वायरमेंट में, उसी को एक्सेप्ट करो। फॉर एग्जांपल आपको इन्वायरमेंट में ही सब दिख रहा है कि क्रेविंग्स कितने हैं, लव क्या है, हेट क्या है, सब एक तरीके से स्नेक और लेटर के गेम्स की तरह हैं। जो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, उस तरीके से आप दुनिया को एक बार देखोगे ना, तो आपको समझ पाएगा कि वो कैसी है। सो सेम वैसे ही इन्वायरमेंटल मास्टरी को, इन्वायरमेंट में वही मास्टर है जो इस दुनिया को समझ पाए, जो इस इन्वायरमेंट को समझ पाए, जो इस सोसाइटी को समझ पाए, जो इस कम्युनिटी को समझ पाए, जो आपको ग्रुप में लोग हैं उनको समझ पाए।
ग्रुप में लोग तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हर कोई आपके साथ नहीं होता है। उस चीज़ों को फ़र्क में पहचानिए और हमेशा अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हमेशा अपने साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। ये 6 पॉइंट अगर आप अपने साथ रखेंगे ना तो आपकी मेंटल हेल्थ तो बेस्ट होगी, उसके साथ आप बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मेरे लिए जो भी मैंने बताया है अपने पॉइंट्स में, अपने जो भी वर्ड्स बोले डिफ़िकल्ट जो आपको लग रहे हैं, वो सब मैंने अपनी बुक से ही लिए हैं। मैंने इसी से पढ़ा, आशावानी की बुक से। अगर आपके पास ये बुक है दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। PDF फॉर्म है, मैं आपको इसका प्रोवाइड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। अब नेक्स्ट हमारा है मेंटल हाइजीन। वैसे मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मेंटल हेल्थ है, बट अदरवाइज मेंटल हाइजीन की अगर बात करूँ तो वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। तो इसमें आपको मेनली डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट लर्न करना है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ मेजर इज टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रमोट मेंटल हेल्थ, सिंह एंड तिवारी ने दिया था 1971। तो मेंटल हाइजीन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, एक रिड्यूसेबल मेजरमेंट है जिससे हम लोग मेंटल इलनेस को हटाते हैं। अब अगर हम लोग हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो हम लोग किससे प्रिवेंट रहेंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहेंगे, राइट। कंटामिनेटेड फूड को नहीं खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग होगी ही नहीं। वैसा ही केस है, हम अपनी मेंटल इलनेस को प्रिवेंट रखेंगे तो अभी तो हमारी हेल्थ को प्रमोट कर पाएंगे और हमारी हेल्थ इफेक्टिवली हेल्थ होगी, मेंटल हेल्थ। अगर मैं इसके बात करूँ कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन एंड क्यूरेटिव मेजर। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन का मतलब होता है खुद को प्रिवेंट करके रखना। अब जैसे कोई भी कोरोना टाइम्स था, राइट, अभी कोविड टाइम में आपको भी पता है कितना मतलब कि कितना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऐसा वेव सी आई थी जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान तक चली गई थी। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वर्क किसका था, मेडिकल फील्ड का। एज वी ऑल नो मेडिकल फील्ड कोई भी सिचुएशन हो हर वक्त रहती है। उन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर लोगों की सेवा करी। कैसे प्रिवेंट कर पा रहे थे वो लोगों को, वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे थे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। जैसे साइन एंड सिम्टम्स आए, अपने आप को पहली बार में कंटामिनेट से अलग हो जाए, मतलब कि आपको हम लोग सेफ पोजीशन में रखते हैं, राइट। और उसके बाद में जो भी लोग अपने घरों में थे, आप सबको पता है आप लोगों ने काढ़ा यूज़ करा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पी रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, सैनिटाइज का यूज़ कर रहे थे बाहर से बाहर। आप जो यूज़ कर रहे थे वो हम लोग हैंड रबिंग कर रहे थे, वो भी अल्कोहल मेथड के थ्रू, जिससे बहुत बेनिफिट होता है। ये सारी चीज़ें आपने प्रिवेंशन में हेल्प करी। तो प्रिवेंशन के ये आप क्या है, एग्जांपल है। अब हम लाइन को पढ़ते हैं, ये क्या होता है, जो माल एडजस्टमेंट चल रहा है ना अनसेटिस्फरी, उसको कॉज करता है, इसके मेथड्स को रिसॉल्व करता है, ये टेंशन को हटाता है, आप में एंजाइटी। अगर मैं मेरी बात करूँ, मुझे एंजाइटी में ओवर ईटिंग और स्लीपिंग प्रॉब्लम है, इसलिए जब भी मुझे एंजाइटी होती है ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ वॉक रिकमेंड करती हूँ। वॉक से मेरी हाफ ऑफ द एंजाइटी प्रॉब्लम क्लियर होती है। फ्रस्ट्रेशन है, ऑलवेज फ्रस्ट्रेशन में एक काम करो, रिटर्न वर्क, जितनी भी ओवर थिंकिंग है बस लिख दीजिए, आपकी फ्रस्ट्रेशन प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। लोगों से शेयर करने से अच्छा है खुद की प्रॉब्लम खुद से शेयर करो, खुद सॉल्व करो। तो ये चीज़ होती है प्रिवेंशन के अंदर। प्रिवेंशन में जो हम भी मैथड नहीं यूज़ करते, हम लोग वेज यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट पर फोकस है हमारा, मैथड नहीं, हम वेज यूज़ करते हैं जिससे हम इमोशनल एंड सोशल एडजस्ट हो सकें। प्रिजर्वेशन, हमें क्या प्रिजर्व करना है, हमारे अंदर की जो इनर पोटेंशियल है उसको डेवलप करना है और हमें अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करना है। मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान बीमार होता है ना तो वो शारीरिक बीमारी उसके कम लगती है, उसको मानसिक बीमारी ज़्यादा लगती है। कभी भी आप अपने पेशेंट साइड जाएं, उसकी कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो, उसको ये ना बताए कि आपकी बस जान जाने वाली है, आप मरने वाले हो, आपके पास सिर्फ 2 दिन है या 2 घंटे, इस टाइप से बताओगे वो बेचारा 2 पल भी नहीं जी पाएगा, वो अपने 2 मिनट भी नहीं शांत रहेगा, वो बस सोचता रहेगा। और वो हम लोग उसको ना बता के उसके रिलेटिव्स, उसके अटेंडेंट को बताएंगे, ये सारी चीज़ें उसके क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, क्योंकि उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रिजर्व कर सके। मे बी ऐसा बताने से वो कोमा सिचुएशन में चला जाए, उसे स्ट्रोक हो जाए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन प्रॉब्लम हो जाए। ये सारी डिजीजेस इंस्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है। इस सारी सिचुएशन को प्रिजर्व, मतलब इन सारी सिचुएशन को ना हो, इसीलिए हम मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करते हैं। मैं एग्जांपल देते चलूँ, क्योंकि आप पॉइंट्स आप खुद देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे हैं, ये पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, इन पॉइंट्स के साथ में आपको एग्जाम्पल मैंशन करना होगा। सो क्योरेटिव, अब आपको भाई प्रॉब्लम हो गई, अब अपने आप को क्योर कैसे करें,
अगर आपको याद हो क्लास ट्वेल्थ में एनसीईआरटी में एक लाइन थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मुझे आज भी याद है वो लाइन, बहुत बेस्ट है, आप किसी में भी लिख दो भाई, बहुत बढ़िया लाइन है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, प्रिवेंट कर लो क्योंकि क्योर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योर में आपके साइन एंड सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलेंगे ना, आपको इतनी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि डायबिटिस मेलाइटिस मैं बताऊँ ना, तो उसमें हम लोगों को साइन एंड सिम्टम्स तो मिलते हैं थ्री पीस, साथ ही साथ उसमें हम लोगों को जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जैसे कि रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, हाई ब्लड शुगर, स्ट्रोक प्रॉब्लम, उसके साथ ही साथ ब्लड विजन भी, तो ये सारी चीज़ें आपके कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं, इसीलिए आप क्यूरेटिव मेथड में मेथड को यूज़ करेंगे रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है आप जिस व्यवस्था जिस स्थिति में थे उस स्थिति व्यवस्था में आपको ला के रखना, जैसे कि आपने सुना होगा बहुत से लोग ड्रग्स निकोटीन के बहुत ही आदि हो जाते हैं, उनको रिहैबिलिट करते हैं, मतलब कि एक उनका एक सेंटर होता है रिहैबिलिटेशन, वहाँ पर उनको मतलब रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि आ जाए, तो वहाँ पर वो एकदम से डोज नहीं कम करते हैं, धीरे धीरे डोज कम करते हैं जिससे उनके शरीर को भी कोई प्रभाव ना पड़े, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, फिर वो धीरे धीरे करके उनका आदत पड़ जाती है, फिर धीरे धीरे ही उनकी ये आदत जो गंदी है निकोटीन ड्रग की उसे छूट जाती है। तो ये सारे क्यूरेटिव मेजर्स हैं, एग्जांपल आपके साथ मैंने ज़रूर शेयर करा है, ये आप अपने मेंशन कर लीजिएगा कॉपी में, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड सो प्लीज़ कमेंटेड, अगर आपको इसकी फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दूँगा। हम डिस्कस करेंगे फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की, यूनिट 3 मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के टॉपिक्स हैं, जनरली ये आपके सिलेबस में दे रखा है इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रस्ट्रेशन को, तो सबसे पहले आपको पता है कि फ्रस्ट्रेशन क्या है। फ्रस्ट्रेशन एक तरीके की फीलिंग है जिसमें हम लोगों को गुस्सा आता है, मतलब कि एंगर होता है, इरिटेशन होता है, एंजाइटी होती है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं फ्रस्ट्रेशन में। फ्रस्ट्रेशन आपको एक तरीके से मेंटल टेंशन देता है। अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की तो आपको डेफिनेशन लर्न करनी गुड काटावी की, द वर्ल्ड फ्रस्ट्रेशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ल्ड फ्रस्ट्रा मीनिंग ऑब्स्ट्रक्ट। जो फ्रस्ट्रेशन वर्ल्ड है वो डिराइव्ड हुआ है आपके लैटिन वर्ड से, आपने नोटिस करा होगा साइकोलॉजी में ज़्यादातर वहाँ कहाँ से डिराइव हुआ, आपके लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड क्या है इसका, फ्रस्ट्रा इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है एक रुकाव जिसकी वजह से आप कुछ ना कर पाएँ, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब सिंपल सा है एक रुकाव। फ्रस्ट्रेशन रिफर्स टू द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्ट्स टूवर्ड द गोल, फ्रस्ट्रेशन का मतलब है ब्लॉकिंग, ये उस बिहेवियर को ब्लॉक कर देता है जिससे हम गोल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा गोल है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, बट हम रात में इतना ज़्यादा एंजाइटी ले लेते हैं, इतना ज़्यादा एंगर इश्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट डे हम 4 बजे नहीं उठ पाते, क्यों, ब्लॉकेज हो जाते हैं हमारे बिहेवियर जो कि केस के लिए होता है, हमारे गोल्स के लिए होता है। फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन, जाहिर सी बात है जब हम लोग एंजाइटी में होते हैं हम लोगों को कितनी ज़्यादा टेंशन होती है, जब हम लोग एंगर में होते हैं कितनी ज़्यादा हमें टेंशन होती है, हम लोग एक दूसरे से एकदम डिसअपीयर्स हो जाते हैं, ये सारी टेंशन हमारी अफेक्ट होती है माइंड पे, पूरा इमोशनल सिस्टम जो आपका होता है ना वो हिल जाता है, इमोशनली हम लोग बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लिटरली किसी ने नहीं सोचा होगा कि फ्रस्ट्रेशन इतनी सीवियर प्रॉब्लम को भी कॉज कर सकता है, बट हाँ फ्रस्ट्रेशन बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है। डेली लाइफ में टेंशन बहुत सारे, लेकिन टेंशन को स्किप करना भी हमारा काम है। अगर टेंशन जनरली सब कहते हैं कि टेंशन मत लिया करो, टेंशन लेने या छोड़ने से नहीं होती, वो अपने आप होती है क्योंकि वो थिंकिंग की पावर से होती है। हमेशा मेडिकेशन एक्सरसाइज करते रहें कि जैसे टेंशन की आपके बॉडी में हो वैसे ही आप अपने आपको कंट्रोल कर ले, क्योंकि स्ट्रेस में आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है, यही कॉर्टिसोल लेवल हाई होने के बाद आपको इंक्रीज फैट एक्युमुलेशन होता है आपकी बॉडी में, जनरली इसको हम लोग बैली फैट भी कहते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, ये सारी बहुत ही बड़ी सीवियर प्रॉब्लम्स हैं। जनरली छोटे छोटे केसेस में इसका नाम लगा दिया जाता है, बट एज सच इसका नहीं है। तो हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे, फ्रस्ट्रेशन रिफर्स टू द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्ट टूवर्ड्स द गोल, फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ अ डिज़ायर और अ नीड। आपको पता चल गया कि वो ब्लॉक करता है बिहेवियर को जिससे हम लोग अपने गोल्स की तरफ नहीं जाते, एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन क्या इमोशनल टेंशन है जिसकी वजह से हम अपने डिज़ायर और हम अपनी नीड को नहीं अचीव कर सकते। डिज़ायर और नीड का मतलब तो जो हमारी ज़रूरतें हैं,
फ्रस्ट्रेशन ईगो में आके हम बहुत सी चीज़ों को स्किप कर देते हैं जो कि हमारे लिए नेसेसरी होती है। ये डेफिनेशन आपकी गुड कार्टर वी ने दिया है। अगर मैं बात करूँ करेक्टरिस्टिक्स की, तो पहला पॉइंट देख रखा है अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट है। प्लीजेंट अगर मैं बात करूँ, प्लीजेंट वो होती है जिसमें हम लोग जॉली होते हैं, हैप्पी नेचर के होते हैं। फ्रस्ट्रेशन में आप खुश नहीं रहते हो, फ्रस्ट्रेशन में आप इरिटेट रहते हो, आपको कुछ पसंद भी नहीं आता। नेक्स्ट क्या है, जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक ऐसी स्टेज है, ऐसी कंडीशन है जहाँ पे फेलियर डोमिनेट्स करते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा फेल जो लोग होते हैं उनको फ्रस्ट्रेशन के चांसेस होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसमें ऑब्स्टकल्स की, बताएं तो हम लोग नीड और गोल को नहीं अचीव कर सकते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ गोल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लॉकेड इंक्रीज द डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैंने अभी बताया कि अगर आप कोई भी गोल को नहीं अचीव कर पा रहे, आपकी कोई स्ट्रेंथनिंग भी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के शिकार में आ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन का कॉज क्या है, लाइ भी है। बहुत से लोग एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं। अगर आप कोई भी रिश्ते में झूठ बोलते हो तो वो रिश्ता कभी आगे नहीं चलता, बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हर एक चीज़ ट्रस्ट पे चलती है। लेकिन आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग झूठ बोलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि झूठ बोलने से आपको हर एक चीज़ मिल रही है। बट वही सब कॉज है, जो झूठ बोलता है उसको इतना नहीं फ़र्क पड़ता, जिसके साथ एज अ चीट होता है उसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वो उस कंडीशन में चला जाता है एंजाइटी स्ट्रेस के, जिसको ओवरकम करने के लिए वो बहुत टाइम तो बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। नहीं तो ओवरकम नहीं हो पाते तो फिर उसको डाइट मेंटेन करना चाहिए, 3 मेथड होते हैं, प्लेट मेथड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स या फिर काउंटिंग कप्स, ये सब करना चाहिए। तो इन सबसे चीज़ें हैंडल आउट होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक इंटरनल। हमें फ्रस्ट्रेशन बाहर से मिल सकता है या फिर हमारी बॉडी अंदर खुद डिफेक्ट मतलब बना सकती है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ये आपके बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स के 3 टाइप्स हैं। जैसे कि फिजिकल फैक्टर की अगर मैं बात करूँ कि आपके आस पड़ोस में किसी आपके जानने वाले की डेथ हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो आपके फिजिकली अफेक्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में दिन रात उसी के बारे में सोचोगे, और कहीं ना कहीं को इतनी ज़्यादा मेमोरीज हिट बैक करेंगी कि आप बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन ब्रेक हो गए। नेक्स्ट क्या आपका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या है, जैसे कस्टम, ट्रेडिशन, कोर्स, इन सब की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, इन सब की वजह से पीपल में फ्रस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। आजकल के समय में फाइनेंशियल मतलब कि मनी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास मनी है तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो आपको बाहरी से मिलते हैं, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये तीनों आपके माइंड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनल, ये आपकी बॉडी खुद अफेक्ट करती है। जैसे कि आप में कोई भी फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, तो आपको स्ट्रेस रहेगा कहीं मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, मैं नमक नहीं खाऊंगा क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, मुझे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, मेरी वाउंडिंग हीलिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन कॉज करेंगी। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स विद इन द इंडिविजुअल। अब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जब हम लोग देखेंगे एक पेनफुल इमोशनल स्टेट होती है, तो ये किसमें होती है, विद इन द इंडिविजुअल्स, खुद के साथ ही ऐसा हो जाता है। इंडिविजुअल मोलैरिटी एंड द हाई आइडियाज़। सबको पता है कि हमारी जो मोलैरिटी का मतलब ही होता है हमारा डिजीज़ कंडीशन में हाई आइडियाज़ होते हैं कि हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो। हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन, अगर हम लोग एस्पिरेंट होते तो एकदम अपने दिन रात उस काम को लगा थे जो हमारा मेन वर्क होता है, जो हमारा मेन गोल होता है उसको अचीव करने के लिए, राइट, उसके लिए हाई लेवल तो रहता है, लेकिन वहीं हमारा गोल फेल हो गया, हम नहीं अचीव कर पाए, तो हमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन की एक प्रॉब्लम आ जाती है, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, लैक ऑफ पेरिस्टेंस एंड सिंसियरिटी इन एफर्ट्स। अगर आपके एफर्ट्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए मुझे एंजाइटी प्रॉब्लम तब होती है जब मैं अपना वर्क नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ। जैसे मैं टू डू लिस्ट मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में नेक्स्ट डे के लिए बनाती हूँ, तो उसमें ऑलरेडी सब मेंशन कर देती हूँ कि मुझे इस दिन से इस टाइम तक ये वर्क करना है, उस टाइम तक ये वर्क करना है। अपना कॉलेज, हॉस्टल, स्टडी, यूट्यूब सब कुछ मैनेज करने के बाद सेल्फ टाइम भी निकालती हूँ। बट नेक्स्ट डे ऐसा सच कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, राइट, तो नेक्स्ट डे अगर हमसे कुछ भी चीज़ स्किप होती है तो मुझे को एंजाइटी प्रॉब्लम हो जाती है। एंजाइटी में फिर मैं ओवर ईटिंग करती हूँ, फिर स्लीप को एक्वायर करती हूँ। एंजाइटी मुझे इसलिए होती है क्योंकि मैं काम नहीं कर पाई, उस चीज़ में मैं पीछे हो गई, मुझे इस बात की एंजाइटी होती है। और नेक्स्ट डे अगर और लॉस हो गया तो फिर तीसरे दिन तो मैं वो टू डू लिस्ट नहीं बनाऊंगी,
तीसरे दिन जैसा चला है वैसे करूँगी, चौथे दिन से फिर टू डू लिस्ट बनाऊंगे। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ मंथ में मेरे साथ 2 to 3 times ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मेरा लॉस होता है। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एंग्जाइटी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हम अपने घर से दूर रहते हैं, हम एक हॉस्टल में रहते हैं जहाँ पर हम अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर सकते, हम अपना किसी को समझते नहीं है। अपने तो मेरी फैमिली है और जो कि वो मेरे से बहुत डिस्टेंस पे, मैं अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करती हूँ। तो ज़्यादा टाइम ये रहता है कि मुझे ये स्किप हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे ये कैसे करना है, खुद से क्वेश्चन पूछते पूछते हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर करना घर में पसंद करती हूँ। घर पे मतलब अभी मेरा फर्स्ट टाइम हॉस्टल, मैं घर पे ही थी अपने क्लास 12th तक, और ड्रॉप ईयर में भी मैं अपने घर पे ही थी। अब मैं फर्स्ट टाइम इतना दूर आई हूँ तो उस चीज़ के लिए मैं अभी भी अडेप्ट नहीं कर पाई हूँ, बल्कि मुझे बहुत टाइम हो गया बट अभी भी मैं अडेप्ट नहीं कर पाई हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स मेरे इंटरनल फैक्टर्स हैं, और फ्रस्ट्रेशन के लिए तो मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, तो मैं जानती हूँ कि एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ करने का नहीं होता है, और हम अपने गोल्स से पाने की जगह और बल्कि दूर हो जाते हैं। तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन था। फ्रस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट से वो सिर्फ इतना सा है, डेफिनेशन है और करेक्टरिस्टिक्स और इसके टाइप्स। देख लिया आपने कि आर्शवानी बुक में फ्रस्ट्रेशन कितना ईजी लैंग्वेज में दे रखा है, और प्लस आपको ये टाइप्स तो ईजी हैं, करेक्टरिस्टिक्स ईजी से, वो सिर्फ आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। नेक्स्ट हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक पेनफुल इमोशनल स्टेट। इसका हमने बताया था, ये डोगलास एंड हॉलैंड ने दिया था, इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अ पेनफुल इमोशनल स्टेट विच रिजल्ट फ्रॉम अ टेंशन बिटवीन अपोज्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस। मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एक पेनफुल इमोशनल स्टेट है। पता है हम लोगों को ये भी एक इमोशनल स्टेट है, ये पेनफुल मतलब एक दर्दनायक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा माइंड वर्क नहीं कर पाता। हमें पता है ये चीज़ ये कैसे आता है, टेंशन की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि कल एग्ज़ाम है, कौन सा चैप्टर पढ़े, इतने ज़्यादा टेंशन में हो कि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे और एग्ज़ाम है, अब क्या पढ़े, आपके उस दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा, राइट। मैं खुद मानती हूँ कि उस समय नहीं समझ में चैप्टर 1 पढ़े कि चैप्टर 10 पढ़े, चैप्टर 2 पढ़े कि चैप्टर 5 पढ़े। तो ये चीज़ आपके टेंशन एक स्टेट में आ जाती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है कि कौन सी चीज़ को चूज़ करें। हम चूज़ में प्रॉब्लम करते हैं कि ये सही है कि गलत, हम इसे लें या ना लें। तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। और कुछ कुछ ये चीज़ें होती है इसमें बिटवीन अपोज एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेज। अपोज मतलब कि जो हमसे अपोजिट है, मतलब कि हमसे डिफरेंट है, हमसे अलग है। कॉन्ट्राडिक्टरी विशेज जो हमारे साथ है, हमें यही चीज़ की प्रॉब्लम होती है। मेरे लिए डेफिनेशन समझने के लिए कोई खास ज़रूरी नहीं होती, डेफिनेशन एज इट इज़ लर्न करनी होती है। मैं डेफिनेशन को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड के उनको प्रॉब्लम ना हो, वरना डेफिनेशन समझने की कोई ज़रूरत नहीं। डेफिनेशन एज इट इज़ आपको लर्न करके लिखनी होती है। अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो इसके टोटली 4 types होते हैं। अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस, एक होगा आपका अप्रोच अवॉइडेंस, और एक होगा मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। तो इसमें इतना ज़्यादा लिखा है, लिखने से अच्छा हम इसको डायग्राम को समझते हैं। एक पर्सन आप देख रहे होगा, गोल 1 पॉजिटिव है, गोल 2 पॉजिटिव है। हम समझ रहे हैं अप्रोच का मतलब होता है गोल 1 हम अप्रोच कर लेंगे, हम हासिल कर लेंगे, हम अपना उसको अचीव कर लेंगे। तो अप्रोच मतलब कि 2 बार अप्रोच है, तो हम गोल 1 पे भी अप्रोच कर लेंगे और गोल 2 पे भी अप्रोच कर लेंगे। इसमें पर्सन सेटिस्फाई और हैप्पी रहेगा। अब सेकंड आपका है अवॉइडेंस, मतलब कि गोल 1 भी नेगेटिव है, गोल 2 भी नेगेटिव है। आप उसको नहीं अप्रोच मतलब कि उसको अचीव करने की जगह अवॉइड कर रहे हो, आप उसको छोड़ दे रहे हो या फिर आपसे छूट रहा है। नेक्स्ट आपका है अप्रोच अवॉइडेंस, मतलब कि एक ही गोल है, एक गोल आपसे अप्रोच हो रहा है, मतलब एक गोल को आप अचीव कर ले रहे हो, एरो से देख सकते हो। एक गोल आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आप रिपेल हो रहे हो। नेक्स्ट क्या, मल्टीपल। अब मल्टीपल में आपके 2 goals हो जाएंगे, तो आप 2 goals में एक से आप अटैच करोगे, एक गोल की बात करो, एक गोल में रिपेल करोगे, सेम एज दूसरे गोल में एक में अटैच करो, एक में रिपेल करोगे। बस यही चीज़ है। आपको ये डायग्राम बहुत ईजी लग रहा है और बहुत ही ईजी है भी जनरली मैं बता रही हूँ। तो ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो लैंग्वेज आप लिख लोगे, बस कॉन्फ्लिक्ट में ये आपको लर्न करना है, और प्लस इसके ये टाइप्स हैं, मैंने इसको बता दिया। अगर आपके पास आर्शवानी बुक है तो बहुत सही बात है कि आप उसे पढ़ सकते हो, अगर नहीं है तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इसको एज अ PDF फॉर्म आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। और साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, कोई टाइप्स नहीं, या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप कमेंट कर सकते हो। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का, इससे जनरली आपसे क्वेश्चन आना ही आना है 3 marks या 5 marks में।
इसलिए इसमें जितने टोटल 16 दे रखे हैं माल अडेप्टिव अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारे आपको आने चाहिए। सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म आर बिहेवियर दैट पीपल यूज टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम अनप्लीजेंट इवेंट एक्शन और थॉट्स। डिफेंस मैकेनिज्म है क्या? डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा हम लोग बिहेवियर शो करते हैं जो पीपल हमसे दूर रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, उनका एक अनप्लीजेंट बिहेवियर होता है जो कि वो एक इवेंट के थ्रू, एक एक्शन के थ्रू, एक थॉट्स के थ्रू हमें अटैक करते हैं या फिर शो करते हैं, जिसके लिए हम उनसे डिस्टेंस पे रहते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा मैकेनिज्म आता है जो हमारी बॉडी हमारा माइंड डिफेक्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म की अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो माल अडेप्टिव और अडेप्टिव होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो अडेप्टिव हमारे गिवन है और माल अडेप्टिव। हमने एक ट्रिक बताई थी कि P1U1R4D3S3I2CU, इसका मतलब है P से प्रोजेक्शन, U से अनडूइंग, R से आपका आएगा रिप्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन एंड रिग्रेशन, D से आपका आएगा डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट, एंड आपका D से आएगा डिसोसिएशन, S से आएगा सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन, सप्रेशन, I से इंटेलेक्चुअलाइजेशन, आइसोलेशन, C से कन्वर्जन एंड कंपनसेशन। ये आपके पूरा मैंने बता दिया, इस ट्रिक से आपको सर 16 के 16 लर्न रहेंगे, टोटल 16 है, और आपको इसके डिफेंस मैकेनिज्म जो दे रखे टोटल 16 में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल आना चाहिए। आपसे डिफेंस मैकेनिज्म पूछा जाएगा तो जनरली आप पहले इसके बताएंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन, फिर इसके टाइप्स बताएंगे अडेप्टिव एंड माल अडेप्टिव, फिर डिफेंस मैकेनिज्म को एक सर्कल के बीच में लिखेंगे, एरो से टोटल 16 के नेम मेंशन करेंगे, फिर जैसे जनरली पूछता है कि आप डिफाइन करें रिप्रेशन को तो सिर्फ रिप्रेशन करेंगे, अगर वो कहते हैं डिफाइन थ्री तो आप थ्री को डिफाइन करेंगे, कोई भी 3 को आप डिफाइन कर सकते हैं, को कहेगा डिफाइन 5 तो कोई भी 5 को डिफाइन कर सकते हैं, अगर उसने नहीं कहा तो आपको टोटल 16 डिफाइन करने का। 16 जनरली आपसे तब पूछेगा जब आप 10 मार्क्स में हो गए, तो आपको सबकी डेफिनेशन विद एग्जांपल। वैसे तो डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ समझाने जैसा नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म में रिप्रेशन का मतलब होता है हम किसी भी फीलिंग को रिप्रेस कर देते हैं, कोई भी फीलिंग है रिप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अपने लव वन का बर्थडे आता बट हम उसको विश नहीं करेंगे, तो हमने अपनी फीलिंग को रिप्रेस कर दिया। सेकंड है डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है रिफ्यूज़ या फिर अनएक्सपेक्टेबल, मतलब कि हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा। जैसे कि एक मदर होती है वो कभी भी अपने चाइल्ड की गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप बुक का एग्जांपल भी ले सकते हैं या फिर आप अपने डेली लाइफ का एग्जांपल दे सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि डिस्चार्ज पेंट ऑफ फीलिंग, मतलब कि आप जैसे आपको कॉलेज की जो भी आपको बता दिए, कॉलेज का जितना भी आप फ्रस्ट्रेशन है, कॉलेज का जितना भी आप फ्रस्ट्रेशन है जितना भी है वो आप किसी आप अपने फ्रेंड पे उतार देते हो जाके, या फिर आप अपने जूनियर्स पे उतार देते हो, या फिर अगर कहा जाए तो आप अपने कज़न सिबलिंग्स पे उतारते हो, तो इसका मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जनरली क्या होता है, हम लोग स्कूल कॉलेज में रहते हैं, हम लोगों से इतना ज़्यादा असाइनमेंट और इतना ज़्यादा सिलेबस और एग्ज़ाम और टेंशन, मतलब टेस्ट की टेंशन, इन सब के चलते पे एक स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है, राइट? तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और टेंस रहता है, या तो वो अपनी बातों को शेयर करते हैं, आजकल के समय में शेयरिंग तो नहीं पॉसिबल है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितनी भी उसकी पेंट अप फीलिंग्स हैं वो किसी ना किसी पे उतारता है। तो वो उतारने के लिए यही होता है कि वो किसी पे डांट दे या फिर किसी को मार दे, अपने छोटे भाई बहन पे हाथ भी उठा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बताना चाह रही थी डिस्प्लेसमेंट से। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट करना, जैसे कि हमारी जो भी फीलिंग्स है, फॉर एग्जांपल हमारी टीचर्स के लिए फीलिंग्स नहीं होती कि आप इतना होमवर्क देते हो, इतना काम देते, फीलिंग्स अच्छी नहीं है, बट फिर भी हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें फिर भी उनको एज अ टीचर ही रखना है। और वो अगर हमसे कह रहे हैं कि नहीं हमें ये मतलब कल टेस्ट है और हमें पता है कल टेस्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, हमें नहीं आता है, बट फिर भी टेस्ट होता है, भले हम फेल हो जाए बट टेस्ट होता है, तो मैं रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें आप अपने कॉलेज से रिलेट करो ना, और टेस्ट में जब एग्जाम्पल लिखोगे तो सब कुछ आप अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका है रेशनलाइजेशन।
रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जस्टिफिकेशन देना. फॉर एग्जांपल नीट एग्ज़ाम में आपने कॉम्पिटिटिव नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपने उसके लिए प्रिपरेशन करी और आपका एग्ज़ाम जब नहीं निकलता तो रिलेटिव सोचते तो हम लोग एक एक मतलब देते हैं आंसर में कि हम ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने कोई कोचिंग नहीं ली थी या हमने कोई इंस्टीट्यूट नहीं लिया था या मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो हमने एक आंसर देना वो होता है रेशनलाइजेशन. एक हमने जस्टिफिकेशन दिया कि हम क्यों फेल हुए. नेक्स्ट है सबलिमेशन. सबलिमेशन का मतलब क्या होता है, जनरली जितने भी हमारा एग्रेसिव पन है, जितना भी हमारा वर्क है, वो सब हमारा चैलेंजिंग हो जाएगा, मतलब कि एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज. इसमें क्या होगा, जितना भी हम लोगों का एग्रेसिव होता है वो सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बिजनेस या इस फॉर्म में. मतलब कि जैसे एक होता है ना, आपको गुस्सा आ रही है तो आप अपने ऊपर उतारते हो या फिर अपने रिलेटिव्स में उतारते हो, अपने जानने वाले को. तो एक आपको गुस्सा आ रही है आप अपने वर्क्स पे लग रहे हो, अपने गोल को अचीव करने पे, तो वो होता है आपका सबलिमेशन. कंपनसेशन. कंपनसेशन का होता है मेकअप या फिर कवर अप. जैसे कि आपको पता है क्लिनिकल में 100% होती है. अभी मेरी तबीयत खराब हुई थी, टाइफाइड हो गया, तो मुझे हॉस्पिटल मतलब मेरी क्लिनिकल ड्यूटी चली, तो हॉस्पिटल से मैंने लीव लिया था, राइट. तो उसका मुझे कंपनसेशन करना पड़ा, उसका मेकअप ड्यूटी करना पड़ा हॉलीडेज पे, तो वो होता है हमारा कंपनसेशन. प्रोजेक्शन का मतलब होता है ब्लेम करना. फॉर एग्जांपल जैसे कि दो स्टूडेंट खेल रहे होते हैं और किसी एक से कांच टूट जाता है खिड़की का, तो हमेशा ब्लेम होता है कि तुमने गलत से मारा था, तुमने फेंका था, इस वजह से कांच टूटा. और जो जो मतलब कि नहीं बोल पाएगा, जो इंट्रोवर्ट टाइप का होगा वो फंस भी जाता है इस केसेस में. तो प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि ब्लेम करना कि ये मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं. इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है अवॉइड करना एम्पैथी को, मतलब कि हम लोग अपने जितने भी क्लोजनेस होते हैं उसको अवॉइड करते हैं. जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल एक मतलब जनरली एग्ज़ाम में फेल हो जाना, फेल हो जाने के बाद अगर आपका फ्रेंड है उसके हाई मार्क्स आए और आपके लो मार्क्स आए तो आप उससे बहुत डिस्टेंस पे रहोगे. ये फैक्ट है, फ्रेंडशिप कुछ भी नहीं होती है, सब एज अ टाइम के अकॉर्डिंग होता है बस. अनडूइंग. अनडूइंग का मतलब होता है कि हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, मतलब कि जो हम लोग कर रहे थे उसकी अपोजिट फीलिंग आने लगी. फॉर एग्जांपल हमने एक गिफ्ट परचेज करा, हमने गिफ्ट परचेज करा अपने फ्रेंड के लिए, बट वो फ्रेंड अपने बर्थडे पे गिफ्ट करते राइट, लेकिन बर्थडे से पहले उसने अपना रंग दिखा दिया तो क्या करेंगे, तो उसको गिफ्ट नहीं करेंगे. यह हमारी अपोजिट फीलिंग का मतलब होता है. मतलब ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही बेकार लग रहे होंगे आई नो, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको समझने के लिए होता है. ये एग्जाम्पल आप साइकोलॉजी में एग्जाम्पल आपको जनरल लाइफ से देने होते हैं और ये जितने भी एग्जांपल आप खुद देख सकते हो बुक में भी ऐसे एग्जांपल दे रखे हैं. इसी एग्जांपल से मैंने समझा था, इसी एग्जांपल से मैं लिख पाई थी, इसलिए मैं यही एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मेनली डेफिनेशन तो आपको लर्न करनी पड़ेगी आई नो, जैसे रिप्रेशन, डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन, सबलिमेशन, कंपनसेशन, प्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, अंडिंग, रिग्रेशन, डिसोसिएशन, कन्वर्जन, सेपरेशन, सब्स्टिट्यूशन, आइसोलेशन. ये सारी डेफिनेशन आपको एज इट इज लर्न करनी है. बट एग्जाम्पल आप वही दोगे जो आपको समझ में आएगा. अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हो. तो हम लोगों को आप करना है डिसोसिएशन. डिसोसिएशन का मतलब होता है डिसोसिएट होना, सेपरेट होना. सेपरेट होने के क्या सिचुएशन है, जैसे कि आपको पता है कोई कोई भी सिचुएशन होती है हम लोगों से सेपरेट होने के चांसेस रखते हैं. अब इसमें क्या हो, जो कोई भी पेनफुल फीलिंग या फिर अनएक्सेप्टेबल आइडियाज है उससे डिसोसिएट हो जाओ. अब जैसे कि ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग में फ्रेंड का ग्रुप बनता है राइट, जहाँ पे वहीं उस ग्रुप में रहना चाहिए जहाँ पे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट रहे. जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है तो बहुत से स्टूडेंट डिसोसिएट हो जाते हैं. फॉर मी मैं हमेशा डिसोसिएट होना पसंद करूँगी लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्रेड होना नहीं पसंद करूँगी. तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट वो आप चूज करोगे. कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो भी आप में कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी आपकी फीलिंग्स है उसको चेंज कर देना. जैसे कि इसका एग्जांपल है स्टूडेंट अवेक विद अ माइग्रेन हेडेक इन द मॉर्निंग फाइनल एग्जामिनेशन एंड फीलिंग टू इल टू टेक द एग्ज़ाम. तो सबसे पहले उसको टेंशन किसकी थी, एग्ज़ाम की थी. एग्ज़ाम की वजह से वो बीमार पड़ गया. तो कन्वर्जन क्या था, आपको फीलिंग्स कुछ थी और अब किसी की वजह से खुद फ्रस्ट्रेट हो गया, खुद एंजाइटी में आ गया. सेपरेशन. सेपरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजेक्ट करना. जैसे कि स्टूडेंट्स का हमेशा यही रहता है कि हम जैसे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो उनके मार्क्स किसी कारण कम आते, तो टीचर ने नहीं पढ़ाया था, अपनी गलती नहीं देखी, हमने नहीं पढ़ाया था, टीचर ने नहीं पढ़ाया था, हमारा फर्स्ट टाइम था, हम बीमार थे, इस टाइप से उनके एक्सक्यूज रहते हैं सेपरेशन में. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट किसका, एटीट्यूड का. अब जैसे कि सबको पता है स्टूडेंट नर्स टेकिंग इसमें लिखा हुआ है,
स्टूडेंट नर्स टेकिंग अप टीचिंग एज शी इज अनेबल टू मास्टर क्लिनिकल कॉम्पिटेटिव्स. तो आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं. कॉम्पिटेटिव्स में स्टूडेंट नर्स की बात हो रही है और टीचिंग से लेके, तो उसमें रिप्लेस कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते, इसकी जगह आप कर लो. तो ये रिप्लेसमेंट तो चलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्लास में CR है, अगर मैं अपने कॉलेज की होता तो एट द 15 डेज हमारे वहाँ CR चेंज होते हैं. तो एक तरीके से क्या कहा जाए, ये सब्सटीट्यूशन तो है. सब्सटीट्यूशन है, आप कोई भी प्रैक्टिकल ले लो, 1 वीक में चेंज करते रहते. क्लिनिकल वार्ड्स आपके 2 वीक्स में चेंज होते रहते हैं. वो आपका एक एग्जांपल है. आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है खुद को अवॉइड रखना, खुद को आइसोलेट कर लेना. आज के जनरेशन में मोस्ट ऑफ द पीपल को लगता है आइसोलेट सिंगल ज़्यादा बेस्ट है. मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट यही है, सिंगल रहना, आइसोलेट रहना, लोगों से दूर रहना. क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो तो वो बाकी 15 दिखाते हैं, या तो आपको रिप्रेस कर देंगे, डिनाइल कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, बहुत सी मतलब यही 15 दिखाते हैं. और 15 का एक सॉल्यूशन आइसोलेट. सबसे बेस्ट आपको कोई भी फीलिंग या फिर कोई भी माल अडेप्टिव या अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है. टोटल आपके 16 होते हैं. आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, इस ट्रिक से आपको इजी रहेगा. अडेप्टिव माल अडेप्टिव टोटल 16 होते हैं. आपको ये डेफिनेशन एज इट इज लर्न करनी है डिफेंस मैकेनिज्म की, और बाकी जितने भी मैकेनिज्म के डिस्क्रिप्शन है वो लर्न कर लीजिएगा. एग्जांपल मैंने दे दिया है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए. रिप्रेशन से रेशनलाइजेशन तक अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. एंड नेक्स्ट आपको स्लॉट टेस्ट सब्लिमेशन से रिग्रेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे. नेक्स्ट प्रोजेक्शन से डिसोसिएशन तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रिवीजन में ही हेल्प हो जाएगा. और नेक्स्ट आपका है कन्वर्जन से आइसोलेशन तक. इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा. और डिफेंस मैकेनिज्म को एज इट इज़ आप लर्न कर लीजिएगा, एकदम पैरट की तरह बिल्कुल रटू तोता. क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म 120% है कि आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है. UT एग्ज़ाम हो या सेशनल एग्ज़ाम हो या फिर आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत सी चीज़ें रिपीटेड होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें न्यू होती हैं जो कि मॉडरेट स्टूडेंट उसे सॉल्व करके पास हो सके. लेकिन जो स्टूडेंट टॉपर टाइप के होते हैं ना, उनके लिए एक 1% का पेपर हमेशा डिफरेंट रहता है. जो उसने पढ़ा होगा वही सॉल्व कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप स्टडी करिए. इस रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इट. इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर एंड साइकोफिजियोलॉजिक डिसऑर्डर, बोथ आर सिमिलर नेम बट डिफरेंट वर्क. मेन आपको इस पे किस पे फोकस करना है, वो सिर्फ डेफिनेशन पे और इसके पॉइंट्स पे. जैसे अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट्स में मेंशन कर रखा है वैसे ही आपको अपनी एग्जाम कॉपी में करना है. सबसे पहले साइको का मींस क्या होता है, माइंड. माइंड मींस साइकी, ठीक है. और सोमा का मींस होता है बॉडी. ये एक ऐसी डिसीज़ है जो हमारी माइंड और बॉडी दोनों पे अफेक्ट करती है, या फिर कह सकते हैं इनरोलमेंट दोनों का है. साइकोसोमैटिक रिजल्ट क्या है, स्ट्रेस से. जितना भी आपका मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में जितने भी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं वो आपके स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं. नेक्स्ट आपका है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर इंक्लूड हाइपरटेंशन. जब भी आपको स्ट्रेस प्रॉब्लम्स होंगे तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखेंगी, जैसे कि हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डैमेज, माइग्रेन एसेट्रा. आपको सीवियर हेडक होगा, एकदम से BP का बढ़ जाना, फिर आपके जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे कि आपके नोज, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वोलाई, ये सब में डैमेज होना. मोस्ट कॉमनली दे आर द रिजल्ट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन. आपको भी अगर आपको याद हो मेंटल हेल्थ हमने जब चैप्टर डिस्कस करा तो हम लोगों ने फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को रिमेंबर मतलब रिवाइज करा था. तो कॉन्फ्लिक्ट क्या थी, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अ पेनफुल इमोशनल स्टेट बिटवीन अपोज्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस, ये हमारी कॉन्फ्लिक्ट थी. बट फ्रस्ट्रेशन क्या थी, फ्रस्ट्रेशन सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेशन डिराइव्ड हुआ लैटिन वर्ड से फ्रस्टाफ, इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट. फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन. इमोशनल टेंशन का जितना भी हमारा होता है वो हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है. तो फ्रस्ट्रेशन के अगर आप समझ रहे होंगे कि वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में जैसे हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डैमेज होना, माइग्रेन होना,
ये सब एक डिसऑर्डर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एक तरीके से आपको सिम्टम्स दे रहा है, और ये सारे सिम्टम्स जनरली पीपल इग्नोर करते हैं, इसीलिए उनको बाद में सीवियर केसेस का सामना करना पड़ता है। बट जैसे कि आपको पता है कि कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनजाइटी प्रॉब्लम होती है। एनजाइटी में पीपल ओवर ईटिंग, स्लीपीनेस, और मोस्ट ऑफ द एनजाइटी में पीपल तो अपने आप को हार्म भी कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक दूसरे से डिसअपीयर्स करती हैं। आपको इस चीज़ पे नोटिस करना है कि आप कैसे कर रहे हो। डिप्रेशन आजकल के जनरेशन के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट कॉमन होता है डिप्रेशन, क्योंकि वो अपनी बातों को किसी और से शेयर नहीं करते, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। ट्रॉमेटिक कंडीशन एकदम एक्सीडेंटल कंडीशन की तरह होता है, एकदम ट्रॉमा, एकदम शॉक आपकी कंडीशन हो चुकी है, जिससे आप एकदम से अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। फिर अनकॉन्शियस पेशेंट को आपको भी पता है, आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में पढ़ रहे हो, अनकॉन्शियस पेशेंट के केयर कैसे थे, अनकॉन्शियस पेशेंट का हम लोगों को ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट का आपको पता होगा कितना डिफिकल्ट रहता है। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन तो आपको किसी डिसऑर्डर्स में मिल जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन अभी हमने डिस्कस करा है कितना डिफिकल्ट होता है। फ्रस्ट्रेशन से हम लोग अपने डिज़ायर में एक ऑब्स्ट्रक्शन, जो डिज़ायर और नीड, जो भी हमें ज़रूरत है, जो भी हमारा एम है, उसके बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते जिसके तहत हम अपनी ही चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली अचीव कर सकते हो, आपके पास पूरा विल है, आप पूरा हार्डवर्क करते हो, अचीव कर सकते हो, बट मेनली आपने क्या कर दिया, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से आप नहीं क्रिएट कर सकते। नेक्स्ट आपका है ट्रीटमेंट क्या। सबसे पहले थेरेपी है, रिहेबिलिटेशन है, ये आपके क्यूरेटिव मैथड्स आते हैं। अगर आप इनको यूज़ करो तो बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी पुनः अवस्था में आ जाओगे जिसके आपने स्टार्टिंग से थे। तो मेनली क्या होता है, आपको एक थेरेपी होती है जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर्स, कॉग्निटिव आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, परसेप्शन होता है, एटीट्यूड होता है, इंटेलिजेंस होता है, मेमोरीज होती है, थिंकिंग्स होती है, फॉरगेटिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कौन मैनेज करता है, कॉग्निटिव बिहेवियर करते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर की थेरेपी आपके लोग लेना चाहिए जिससे आपका साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ना हो। साइकोफिजियोलॉजिक में भी यही मेन होता है। साइको मीन्स माइंड, फिजियोलॉजिकल मीन्स बॉडी। डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी फंक्शनिंग अब नहीं सही चल रही जैसे पहले चल रही थी। नेक्स्ट है साइकोथेरेपी, मतलब कि माइंड थेरेपी। ये सारी थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको थेरापेटिक डाइट लेने की ज़रूरत है, पोजिशंस लेने की ज़रूरत है जिससे आपको कम्फर्ट मिले, आपका सर्कुलेशन अच्छा हो, जिससे आपके जो मसल्स रिटार्डेड वो स्पाम्स नीचे हो, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको स्लोली बाय स्लोली करनी है, क्योंकि एक हो जाती है जिससे हम लोग बिल्कुल एसोसिएट हो जाते हैं उस ऑक्यूपेशन के, जिससे हमें कोई बेनिफिट भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा। एंटी डिप्रेसेंट, जैसे बहुत से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तो डिप्रेशन में चले गए वो तो डिप्रेशन, और एंटी का मतलब उसका अपोज करना। डिप्रेशन का अपोज करने के लिए एंटी डिप्रेशन लेंगे। बहुत सी मेडिसिन आती हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में एक्सरसाइज होता है, मेडिकेशन होता है, पीपल से बात होती है। फिर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपको ड्रग लेना होगा जिससे आपके बेनिफिट हो सकता है कोई भी चीज़ का। अब ड्रग से आपका ट्रीटमेंट तो होगा, लेकिन आपको भी पता है कि जो भी ड्रग होती है वो कहीं ना कहीं आपके लीवर किडनी को भी हार्म करती है, क्योंकि पहले फिल्टर होती हैं। तो ये सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, सबसे बेस्ट अगर ट्रीटमेंट है तो थेरेपी है, उसके बाद में आप साइकोथेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट ले सकते हैं। ड्रग का सबसे लास्ट में यूज़ करा जाता है, क्योंकि उस केसेस में आपका जो सिनेरियो होता है वो चेंज हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर समझ में आया होगा। अगर आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मेनली मेंटल हेल्थ में 2 से 3 डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। तो आप इसको बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा और इसको फुल्ली कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बुक में दे भी नहीं रखा, बट इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेंशन था, इसीलिए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स मैंने अपने बुक के पीछे लिख रखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। ऐसे आप भी देख सकते हैं, ऐसा पॉइंट्स में लिखा है कि इजी भी है और कन्वीनियंट है अपने खुद के पढ़ने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड या फिर चैप्टर 3 साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ मेंटल हाइजीन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।